एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब? और फाइनली आज मैं व्लॉग कर रही हूँ और मैं वापस आ गई हूँ ग्वालियर। तो जैसे कि आप लोग को ये देखिए दिख रहा होगा तो बस हम लोग ग्वालियर आ गए हैं और एक्चुअली अभी कुछ बैंक का काम था तो बस वहाँ करने के लिए जाना है। सो यहाँ बैंक जा रहे हैं, रास्ते में हैं, जस्ट अभी घर से निकले हुए हैं। काफ़ी दिनों से कोई व्लॉग नहीं आ रहा, उसके पीछे बहुत बड़ा सा रीज़न है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ना ही कोई व्लॉग वीडियो कुछ भी नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ। लोगों के कमेंट्स आए जा रहे हैं बट मैं किसी का रिप्लाई भी नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, मैंने कल कमेंट्स देखे तो मैंने सोचा चलो यार ज़रूरी है और सबको मैं बता देती हूँ कि मेरा व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। तो चलिए, बताने से पहले अभी मैं आपको मिलवाती हूँ। सो हाय, चल लोग आपको देखना चाह रहे हैं से ऐसे ही ड्राइव कर रहे हैं, मैं साथ में हूँ। तो काफ़ी दिनों बाद आई, काफ़ी लंबे टाइम से रह गया। कितने दिन हो गया था? एक महीने। एक महीने नहीं छोड़ोलते आप, एक महीने तो नहीं हुए थे बट हाँ 20 दिन हो गए, 20 दिन हो गए होंगे। एक महीना पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, एक महीने से पहले आ गई हूँ मैं। बट मेरा प्लान था कि मैं रक्षाबंधन करके आऊँगी, बट इतना ज़्यादा तो रुक भी नहीं सकती हूँ ना, इसलिए आगे अब देखते हैं क्या होता है। रक्षाबंधन में जाते हैं नहीं जाते हैं, क्या होता है आई डोंट नो। तो यस, मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था कि जो है मेरा जो फ़ोन है वो मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही चलते चलते मेरा फ़ोन एकदम से रुक गया, बंद हो गया मेरा फ़ोन। इस वजह से मैं कोई भी वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ और क्योंकि फ़ोन ही ऑफ है तो कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है किसी से, ना ही मैं यूट्यूब चेक कर पा रही हूँ, कुछ नहीं। बस मैंने कभी दूसरा फ़ोन लेके रखा है, बट मैंने कहा कि नहीं, आज मेरा फ़ोन ठीक हो जाएगा उसके बाद ही मैं व्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि मैं अपने आईफोन से व्लॉग करती हूँ। तो जो अभी फ़ोन से मैं फ़िलहाल व्लॉग कर रही हूँ वो इनका फ़ोन है, इनके फ़ोन से मैं व्लॉग कर रही हूँ। अभी आईफोन है, मतलब सेम मॉडल है हम दोनों के फ़ोन का, बट होप सो वो शाम तक ठीक हो जाए, है ना। तो अभी वो डला हुआ है कंपनी में और ठीक हो जाएगा तो आज मिल जाएगा, नहीं तो फिर कल मिलेगा। बट एक दो दिन में ही मैं फिर से कंटिन्यू ट्रैक में आ जाऊँगी। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो आप लोग को पहले इन्फॉर्म कर देती हूँ, बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दी आप कहाँ हो, आपको क्या हो गया तो चलो सोचेगा पता नहीं मैं एकदम से कहाँ गायब हो गई हूँ, क्या हो गया, तो इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा यार, मैंने मतलब बहुत दिनों से वीडियो वगैरह नहीं पोस्ट करी है तो एकदम खाली खाली से लग रहा था, क्योंकि मतलब आदत हो जाती है, एक साल कम्प्लीट हो चुका है यार। और मतलब आपको मैंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियो शूट करे थे बट मेरे फ़ोन में कुछ भी नहीं बचा होगा इस समय, क्योंकि सब कुछ तो वो डेटा सारा रिमूव कर देते हैं ना फ़ोन में, और तो कुछ भी नहीं बचा होगा। इनको देखो शक्ल दिखाती हूँ, ये ड्राइव कर रही तुम तो अभी हम लोग फैक्ट्री जा रहे हैं, बाद में जाएंगे, अभी कुछ काम है क्या वहाँ पे अभी? नहीं। तो फिर आपके जा रहे बैंक नहीं जाना? पहले फैक्ट्री का काम है फिर बैंक जाना। गर्मी बहुत हो रही है, पता है आपको, मेरे बांध में ना गर्मी नहीं हो रही थी, यहाँ ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत गर्म गर्म मौसम हो गया है। और वहाँ पे जब बारिश हो गई थी ना तो काफ़ी अच्छा वेदर हो गया था। फिर जैसे ही मैं यहाँ पे ग्वालियर एंटर हुई ना, जब मैं आई, अभी मैं ना दो तीन दिन आगे, मतलब दो तीन दिन हो गए हैं आए हुए और आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो चलो मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, थोड़ा सा काम देखते हैं यहाँ पे क्या काम करवाना है इनको। फिर अच्छा खा लिया, दोनों ने खाना खा लिया। ये रहे माते बाबा, ये देखिए ये बैठे हुए हैं। माते बाबा ये रख लीजिए प्रसाद, ऐसे चढ़ाए थे। देखो इनके सेठ जी भाग के तो ये रो रहा है। मैंने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, एक्चुअली कुछ पेमेंट वगैरह लेना था इनको, इसलिए आए हुए थे। अब वापस से जा रहे हैं हम लोग, बहुत गर्मी हो रही है यार।
देखो मैंने गॉगल लगा लिया है, तो अभी बैंक का काम हो गया है और चेकबुक मिलनी थी वो मिल गई है, और एटीएम वगैरह कल मिलेगा, तो जो भी प्रोसेस है वो कल परसों तक होगी। अब फिर से जा रहे हैं फैक्ट्री ऑफिस में, पापा ने बुलाया कुछ काम होना है, तो चलिए चलते हैं वापस फिर से। मेरी गलती नहीं है, ठीक है, मैंने ना पता है इतने सारा व्लॉग शूट करा, अभी इनसे बातें कर दी और एकदम से वो कैमरा ही नहीं ऑन था, रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन थी। अभी हम लोग आ गए फैक्ट्री, चलो नीचे चलते हैं, कुछ काम है। तो जस्ट अभी मैं घर आ गई हूँ और घर आके बस बैठी ही हैं। अभी जा रहे हैं हम लोग लंच करने के लिए, बिकॉज आफ्टरनून हो गया है। क्या टाइम हो रहा है, हम तो झूठ बोलते हैं, 2 बज रहा है अभी, समथिंग समथिंग 2 बज रहा है, वे झूठ बहुत बोलते हैं, ठीक है, मतलब 5 बज रहा है, मतलब कि इवनिंग का टाइम हो रहा है, शाम हो गया। अच्छा सुबह का हो रहा है, 5 बज रहा है कि रात का, सुबह का या शाम का, दोपहर का 5 कैसे बज सकता है, शाम का 5 होता है ना, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलो मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, बाय बाय। तो गाइस शॉपिंग हो गई है, काफ़ी सारा सामान ले लिया है, अभी हो रहा है बिल। और थोड़ा ना मैं जीन्स देख रही थी, आप देख सकते हो ये रहे, और आज तो मदर इन लॉ भी साथ में है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था शॉपिंग करने में और काफ़ी टाइम बाद हम लोग आए हैं एक्चुअली यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। चलो थोड़ा बहुत ले लेते हैं जो लेना है वो, और ब्लॉगिंग करती हूँ ना तो लोग देखते हैं कि ये क्या कर रही है, वीडियो बना रही है बट किसी को क्या बताऊँ मैं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं बिल करवाते, उसके बाद में घर चलते हैं, ओके। हो गई शॉपिंग, अब चलते हैं घर, और ये रहा सारा सामान का। अरे कम ना होगी,
गाइस हम लोग ना मार्केट गए हुए थे और मार्केट से ना शॉपिंग वॉपिंग करके आए हैं, तो रात काफ़ी होगी, तो मैं आपको कल दिखाती हूँ वो शॉपिंग क्या करी है। इस ब्लॉग में तो आप नहीं देख पाओगे, तो मैंने जुड़ा क्या बना के रखा है। हेलो एवरीवन, सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 12:00, ओके, और हम लोग का जो डिनर है वो कंप्लीट हो चुका है, तो बस अभी जस्ट करा हुआ था और वहाँ से आए थे तो लेट हो गया था काफ़ी, तो सब कुछ लेट लेट होता गया और ये तो अभी सो भी गए हैं। तो आप लोगों से मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं और मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ, ठीक है। तो यस, मैं जिस बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि बात क्या है। तो रिसेंटली मैंने अभी एक कमेंट देखा है और मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पता है या नहीं पता है, तो रिसेंटली मैंने एक जे सुपर कौर जी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर कॉमेंट देखा हुआ है कि उनको किसी जे सुपर मतलब जे सुपर कौर ने किसी ने भी कॉमेंट करा है, कोई भी उनके जो सब्सक्राइबर्स होंगे उन्होंने उनको कॉमेंट करा है और कुछ बातें उनके बारे में कुछ अच्छी लिखी हैं। और जो अदर्स यूट्यूबर्स हैं जैसे कि प्रिया दीप्ती, आप सभी जानते होंगे उन्हें, बहुत ही अच्छा काम करती हैं वो, तो उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा बुरा बुरा लिखा हुआ है कि वो popl.com के जो स्पॉन्सर वीडियोस होते हैं वो करती हैं, तो वो एक चीज़ गलत करती हैं, क्या करती हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी, और मैं कोई मैसेज रीड करके नहीं बताने वाली हूँ, जैसे कि उसमें जो भी कमेंट पिन है तो आप लोगों ने देखा ही होगा, और मैं कोई भी यहाँ पे नेगेटिविटी गंदगी नहीं फैला रही हूँ कि आप लोग ऐसा कुछ लगे कि मैं कुछ गलत बात कर रही हूँ। बट बात सिर्फ इतनी सी है कि जिसने भी वो कमेंट करा है, सबसे पहली बात, अगर आप किसी इंसान को पसंद कर रहे हो तो आप उसकी तारीफ़ करो, अच्छी बात है। बट अगर आप किसी दूसरे की बुराई कर रहे हो दूसरे के कॉमेंट सेक्शन में जाकर दूसरे की वीडियोज़ पर, तो ये गलत बात है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे प्यार करते हो तो जो सारे लोग हों वो ही प्यार उनसे करते हों, वो सारे के सारे लोग, कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, ठीक है। तो जैसे प्रियादीप दीदी हैं तो उनके भी कुछ चाहने वाले हैं, ठीक है, जो जे सुपर कौर जो हैं उनको भी नेगेटिव कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ उसको हाईलाइट मत करिए जो भी फालतू के कमेंट्स कर रहे हैं। और जे सुपर कौर जो हैं, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, वैसे तो आप मुझसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, बट मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आपने जो ये कमेंट आपने पिन करा है, प्लीज़ इसको रिमूव कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए। बिकॉज़ अगर आपके कमेंट सेक्शन में आकर आपकी कोई तारीफ़ कर रहा हो, किसी और की बुराई कर रहा है, तो बहुत ही गलत बात है। क्योंकि मेरे साथ भी कुछ टाइम पहले कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था, इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं आप लोग के साथ में अपना भी थोड़ा शेयर करती हूँ। तो यस, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ और ना ही मुझे उस चीज़ से कोई मतलब है। बट हाँ, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है फालतू में, तो नहीं, आपको एक्शन लेना चाहिए उसके खिलाफ, और कोई भी आपकी बुराई ऐसे नहीं कर सकता है बिना फालतू में। और जे सुपर कौर जो हैं वो प्लीज़ अपना जो कमेंट है हटा दें, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गलत करा है। इस कमेंट को पिन करके आपने उन लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, आप लोग उन लोगों को और भी ज़्यादा उकसा रहे हैं कि हाँ कमेंट करो, हम आपके साथ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और सारे यूट्यूबर्स जो हैं सब एक जैसे होते हैं, सभी मेहनत करते हैं, कोई थोड़ा सा आगे होता है, कोई थोड़ा पीछे होता है, बट मेहनत सभी यूट्यूबर्स करते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों। और इस प्लेटफॉर्म में आके मैं भी ये चीज़ अच्छे से समझती हूँ कि मेहनत यार होती है, सिर्फ वीडियो बनाना ही नहीं होता है कि आपने वीडियो बना लिया और बस आपका फ्री हो गया सब कुछ, आपको अपलोडिंग मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, एडिटिंग, अपलोडिंग एंड ऑल। सो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी, बट बस यही कहना चाहूँगी। और जैसे कि अगर उन्होंने बात कही है प्रियादीप दीदी की, तो आप सभी जानते होंगे जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं कि प्रियादीप दीदी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। मैं पर्सनली उन्हें जानती हूँ और मतलब जानती क्या हूँ, मेरी उनसे एक्चुअली बात भी हुई है और कई बार मेरी उनसे बात हुई है, और
मैं क्या बोलूँ अब उनके लिए, वाकई बहुत अच्छी हैं, काफ़ी सारे लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, काफ़ी लोग उनके फ़ैन्स हैं और कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ करते हैं उनकी, बिकॉज़ उनका दिल है अच्छा तो है, वो बिना सोचे समझे किसी का भी वीडियो शेयर कर देते अपनी कम्युनिटी पे। बताइए आप लोग करती हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो आप लोग बताइए करती हैं कि नहीं करती, प्लीज़ कमेंट करिएगा आप लोग, और उनको नेगेटिव कमेंट्स प्लीज़ बिल्कुल भी मत करिए। जो भी उनको नेगेटिव कमेंट करता है ना, तो आप थोड़ा सा ये सोच के देखो कि उनके दिल पे क्या बीतती होगी, इतनी मेहनत करी, इतनी आगे पहुँची हुई हैं वो, और आप लोग बस कुछ कमेंट्स करके आप किसी का भी दिल दुखा सकते हो, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। और सारे यूट्यूबर्स एक जैसे ही होते हैं, हम अगर उनकी वीडियोस देखते हैं तो आप देखो, पर यार नेगेटिव कमेंट्स आप प्लीज़ किसी को मत करो। और जे सुपर कौर हम सॉरी, तो जो वो हैं तो उन्होंने ये बहुत गलत बात करी है पिन को, कॉमेंट को पिन करके, एक्चुअली मेरी टंग स्लिप हो रही है, पता नहीं क्या, मैं कुछ सोच रही थी और बस मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैं व्लॉग भी बनाया तो थोड़ा ऐड कर देती हूँ, वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि तो लोगों को भी पता चलना चाहिए। बहुत सारी बातें बोली हैं यार, गलत है ये सब चीज़ें। कोई भी ब्रांड का प्रमोशन करता है अगर उसको अच्छा लगता है तो, अगर आपको कोई सामान अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियसली यार, चाहे वो purple.com से हो चाहे किसी भी ब्रांड का हो, आप उसकी तारीफ़ करोगे, आपका ये काम है, हम यूट्यूबर्स का ये काम है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, ये हमारा काम है, हमें जो चीज़ अच्छी लगती है हम उसका रिव्यू करते हैं। मैंने भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू करा है, क्यों करा है, क्योंकि मैं उसको यूज़ करती हूँ खुद, तभी तो मैंने परचेस करा है ना। अगर मैं उसको अच्छा नहीं लगेगा मुझे वो प्रोडक्ट, तो मैं उसको लूँगी ही नहीं, ना ही मैं आपके साथ में उसको शेयर करूँगी। तो प्लीज़ यार, आप लोग नेगेटिविटी मत फैलाओ किसी के बारे में भी, और वो भी बहुत अच्छे इंसान है प्रियादी। और कुछ नहीं, मैं बोलना चाहूँगी, बस इतना ही मुझे बोलना था। तो चलिए मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और अभी क्या टाइम हो रहा है यार, काफ़ी टाइम हो गया, एक्चुअली काफ़ी लेट नाइट हो गया है, तो बस यही सब कुछ मुझे बोलना था जो कि मैंने बोल दिया है आप लोगों से। तो बाकी आप आगे देखिए, और प्लीज़ किसी को भी नेगेटिव कमेंट्स मत करिएगा, ठीक है। और प्रियादीप दी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ में आपके वेल विशर्स हैं जो आपका हमेशा सपोर्ट करेंगे, आपको हमेशा प्यार करेंगे। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, अगर कोई गांव से बिलोंग करता है, कोई विलेज में रहता है, कोई सिटी में रहता है, तो आप उससे उसका स्टेटस चेक नहीं कर सकते, आप उसको उसका क्लास नहीं बता सकते हो यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। हम सभी पहले गाँव में आके शहर बनाए, सारी चीज़ें ना पहले गाँव में होती थी, फिर जाके शहर में हुई हैं। तो प्लीज़ आप लोग किसी को ऐसे डीमोटिवेट मत करो यार, कुछ कोई इंसान अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ मतलब किसी इंसान ने कुछ हासिल करा है अपनी लाइफ में, बहुत अच्छी अपनी लाइफ बनाई है, और जब वो आज फेमस हो गया है चीज़ उसके पास में, तो आप लोग उसको नेगेटिव कमेंट करके डीमोटिवेट करो, बिल्कुल गलत बात है ये, और आप लोग को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, इस वीडियो को बनाते हुए आज मैं आप लोगों से बोल रही हूँ ये चीज़, क्योंकि मेरा भी कोई मोटिव नहीं था इस वीडियो को बनाने का, बस मैंने सोचा कि नहीं यार मुझे बोलना चाहिए, मैं बोलूँगी, ठीक है। तो आप सभी लोगों से प्लीज़ मेरा निवेदन है, किसी को भी बुरे कमेंट्स मत करिए, ठीक है। और जिस पर जो कौर जी हैं, सॉरी मैं आपका नाम पता नहीं क्यों क्लियरली नहीं ले पा रही हूँ, तो आपके पास भी ऐसे कमेंट्स आ सकते हैं, जैसे कि आपने किसी का कमेंट पिन करा हुआ है, वैसे ही प्रियादी के पास भी आपके कमेंट्स आते होंगे, और चाहे तो वो भी पिन कर दे, पर उन्होंने कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाई, ना ही कुछ भी, हमेशा लोगों के उन्होंने सिर्फ हेल्प करी है और कुछ भी नहीं, क्या मिल जाता है उन्हें लोगों से बताइए आप, कुछ नहीं मिल जाता है डियर। और आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, वो निस्वार्थ प्यार करते हैं, जैसे बोलते हैं ना निस्वार्थ, मेरे से भी उनका कोई मतलब नहीं था, बट मेरी भी उन्होंने हेल्प करी, और मैं उनको जानती भी नहीं हूँ पर्सनली, फिर भी तो ऐसे क्यों इंसान किसी की हेल्प करेगा यार, आप लोग खुद बताओ, है ना। अगर अच्छा इंसान है तो ही तो हेल्प करेगा ना आपकी, ऐसे ही तो कोई हेल्प करने नहीं आ जाएगा, ना ही सबका दिल इतना बड़ा होता है, ठीक है। तो चलो अब मैं और कुछ नहीं आगे बोलूँगी, और क्या बोलूँ भी क्या, मैं कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं बोलना चाहती हूँ, ना ही मैंने देखी आप कमेंट कोई भी रीड करा है, जिन लोगों ने देखा होगा वो पिन कमेंट है, तो
कुछ नहीं, वैसे उनको हटा देना चाहिए उस कमेंट को, ठीक है? और अगर उन्होंने नहीं हटाया है तो कल के दिन आप भी याद रखिएगा कि हो सकता है आपके साथ भी, भगवान ना करे ऐसा हो, पर आपके साथ भी यही चीज़ हो सकती है। दूसरे अटे यूट्यूबर्स हैं, अगर आपकी बुराई लोग करते हैं तो वो भी आपको कमेंट पिन कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए। और आप सब लोग जो भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, भाई मैं तो भाई छोटी यूट्यूबर हूँ, इतनी बड़ी यूट्यूबर तो बनी नहीं हो ना, तो जो भी बड़े यूट्यूबर्स हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्ट होते, सब एक दूसरे के फ्रेंड्स होते हैं। और चाहे वो छोटे यूट्यूबर्स हों चाहे वो बड़े हों, सब लोग एक जैसी मेहनत करते हैं, सब लोग इससे ज़ीरो से आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और आगे लाइफ में कुछ करते हैं, नाम कमाते हैं, फेमस होते हैं, लोग उन्हें प्यार करते हैं। तो बस यही बोलना चाहूँगी और इस ब्लॉग को मैं गाइस यहीं पर एंड कर रही हूँ। और जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं काफ़ी सारे ब्लॉग्स वगैरह डालती रहती हूँ और मेकअप ब्यूटी प्रोडक्ट्स का रिव्यू डालती हूँ। और फिर आप लोग मुझे मत बोलिए अगर मैं प्रमोशन कर रही हूँ, जो मुझे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं ना, जैसे रिव्यूज़ होते हैं, जो भी मैं करती हूँ रिव्यूज़ चीज़ों के बारे में बताती हूँ, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आप लोग बाय करा करिए। और सबसे मैं यही कहूँगी कि अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आप बाय करिए, ना कि किसी के कहने पर, ना ही किसी के कहने पे कोई करता है यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? तो चलिए चलती हूँ मैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा विद द बेल आइकन। ओके, बाय बाय।